अब इतनी ज्यादा लग पड़ी दर्द होने है, ज्यादा करो तो चक्कर लग पड़ते हैं। उस दिन भी हम तलेरू जैसे पहुंचे तो मेरे को लगे कि बस तो उल्टी हो जाएगी चक्कर। ऋषि भैया ठीक चलाते हैं ना गाड़ी, उल्टियां भी नहीं हुई इस बार किसी को। ऋषि ठीक चलाता, गड्ढे देख देख के चलाता हो रहा, अच्छी बात है, ऐसे चलानी चाहिए गाड़ी। पापा तो बुरा उड़ा थी, तू सीखेगी तो तू भी ऐसी सीखे, गड्ढे देख के सीख लेना। तमन्ना स्कूटी सीख गई, नीचे गुड्डी ने सिखाई ना तमन्ना को, सीख गई वो स्कूटी आज। नीचे होती है स्कूटी मेरे को उस दिन भी बोल रही थी कि ला चला, मैं न्यूट्रल में चलाने लगी, मेरे को वो यहाँ पे वो हो गया, नस चढ़ गई मेरी यहाँ, फिर मैंने रुक 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 मेरे को उतरने दे। थोड़ा थोड़ा बैलेंस तो बन जाता है मेरा। खाना खा लेना आके, वो खीर खा लेना बच्चे आके, एक एक कटोरी वो खा ले करो रोज, अब वो ऐसे ही फिर वो हो जाएगी, क्या फायदा। पानी डाल लिया, ताजा बन लेना ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू वन अनदर ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है अभी, मैं बस अपने लिए ब्रेकफास्ट ले रही हूँ और बस रेडी हो चुके हैं। और हैंसी चला गया है स्कूल, अपने नए वाले स्कूल में, और चलो देखते हैं आप कैसा जाता है उसका दिन आज का। और नए स्कूल में गया है तो पता नहीं, अब सब कुछ नया नया ही होगा उसके लिए, और देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। उसकी बुक्स वगैरह जो है ना वो भी अभी मैंने फ़िलहाल उसी स्कूल की दी है, क्योंकि CBSE ही सिलेबस है वहाँ पे भी, तो लग जाएगा पता कि वही चलनी है बुक्स या कोई और लेनी है, क्योंकि यार स्कूल का अपना अपना हिसाब किताब होता है, तो शायद देखते हैं क्या बनता है। और उसको मैंने कैमरे में कैप्चर करना था, पर वो सुबह सुबह वो है वैसे ही बड़ा लेट हो गया था, तो और उसकी बस का टाइम भी वैसे थोड़ा जल्दी है, आधा घंटा आधे घंटे का फ़र्क है जो पहले वाले स्कूल में और उसके वाले स्कूल में, तो आधे घंटे का फ़र्क है, तो चला गया जल्दी जल्दी में ना। फिर मैंने अभी नहीं, मैंने उसको बोला एक बार तो बोलता नहीं अभी नहीं, शाम को आके करूँगा, तो चलो जब आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी उसको। और उसकी फ़ोटो वगैरह जो नहीं खींची, उसने खींचने ही नहीं दी, लेट भी हो रहा था, तो उस वजह से फिर मैं एक टाइम देती हूँ, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी बच्चे के साथ। और बस मैं भी खाना खाती हूँ और फिर चलते हैं ऑफिस। और कल शाम को वहाँ से आने के बाद सिर्फ मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और वही माइग्रेन का फिर से जो है ना, आपको पता ही है माइग्रेन की जो पेन होती है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा होती है, और सिर दर्द बहुत ज़्यादा था। फिर आके मैंने रेस्ट किया और शाम को जो है ना आलू वगैरह बना के इनके लिए बस वो रख दिए थे, और बाद में तो खैर ठीक हो गया था, लेकिन इससे पहले तो बहुत बुरी हालत हुई हुई थी। चलिए खाना खा लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं फिर। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दूध जो मैं दिन में लेके आई थी, बस वो दूध को गर्म करने के लिए रखूँगी। और साथ में जो है ना, ये पिछले कल का ब्लॉग है, पिछले कल मैंने ये अपलोड नहीं किया था, तो बस आज मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। और अगर आपने मेरा ऑनलाइन फ्रॉड वाला नहीं देखा तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखें, उसको वॉच करें, आपको बहुत ही जो है ना यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। अभी शाम का टाइम है और 6 बज गए हैं, मैं लगी हूँ आटा गूंदने, और अभी हैंसी नहीं आया हुआ है, हैंसी पता नहीं आते ही शायद खेलने चला गया होगा, तो जैसे आता है उसको थोड़ा बहुत स्कूल का काम भी कराना पड़ेगा ना, पता नहीं क्या क्या करवाया जो उसकी मैम ने, अब आएगा तभी पता चलेगा। और आटा गूंद के रख देती हूँ और सब्जी काट के रखनी पड़ेगी सुबह के लिए, क्योंकि सुबह स्कूल के लिए डालनी है, तो फिर अभी से करके रखनी पड़ेगी।
बाकी आलू तो मैंने सोनी को बोला था, इसने बॉईल करके को रख दिए थे, अब आज बनाएगी भी वही, मैं उसको बताऊंगी कैसे बनाते हैं, सीख भी जाएगी इसी बहाने से। बस अभी आटा गूंद देती हूँ पहले, और कल शाम को थोड़े से कपड़े जो ये डाल के गए थे अपने कुर्ते पजामे वगैरह वो अभी प्रेस करने हैं, तो बस अंदर बैठूंगी मैं, अंदर जाके करूंगी प्रेस, और उसको बुलाती हूँ पहले हंसी को, कहाँ है कोई ज़्यादा पता नहीं है उसका, खेलने गया हुआ है, आते ही बस खेलने भाग जाते हैं, उसको देखते हैं जाके। सोनी इसकी यूनिफॉर्म तूने टांग दी थी, हैंसी की यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म अंदर देख, अंदर इसने गद्दे पे तो नहीं फेंकी हुई, तो उसको सीधा करके अंदर टांग दे, ऐसे फेंक के चला गया होगा। गया कहाँ है ये भी नहीं पता, फोन कर रही हूँ मैं, फोन भी नहीं उठा रही है उसकी मम्मी, दक्षु की मम्मी। चम्मच से निकाला और इसके अंदर जीरा होगा वो निकाल रहा। सोए थे फिर दिन में, हाँ सोई थी, टाइम का मिला तभी ऐसे भी नहीं किया रही होगी, इतनी डाले तेल गर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे ना ये मेरे बुआ सास की जो बड़ी वाली बहू है वो आए हुए थे, और जिनके साथ मैं सुबह वॉक पे जाती हूँ, तो ये आए हुए हैं, और आज सोनी जिद कर रही थी कि आज मैं आलू बनाऊँगी, तो मैंने कहा चल इसको भी सिखा देती हूँ, बहाने से ये भी सीख जाएगी, और व्रत के आलू बनाने थे तो बस इसको ही मैंने कहा कि चल तू बना ले। और भाभी ने, भाभी को पता नहीं चला कि कैमरे को मैंने ऑन करके रखा, बाद में बोलते मैं बड़ी देर से सोच रही कि ये कौन है कौन है, और बोले मैं खुद को ही देख के सोची थी कि ये औरत कौन बैठी हुई है, तो बाद में पता चला कि अच्छा ये तो मैं ही हूँ। कभी कभी ऐसे हो जाता है। और यहाँ पे जो है ना व्रत के आलू बन रहे हैं, इसमें जीरा धनिया अजवाइन डाल के और सूखी लाल मिर्च डाली थी और नमक डाला था, और साथ में जो है बस ये आलू इनको ही डीप फ्राई करना है हल्के से तेल में, ज़्यादा तेल नहीं डालना है बस, और उसके बाद जो है ना ये आलू बन जाएंगे। और अब आप सुनो बातें, कैसे गया था स्कूल में नया दिन? बहुत ही अच्छा। इधर मुड़ी, इधर, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा दिन मेरा, दिन मेरा बहुत अच्छा गया। आंखें क्या कर रखी है, हैं डेरा हो गया, देख कैसे रहा है, हाँ पड़ गया फर्क आंखों में, पड़ गया ना, हाँ मोबाइल देख देख के फर्क ही पड़ना है। वो बता क्या बोलते हैं, ले गया था ग्राउंड में खेलने? किसको ना? और कल बहन ने ये कपड़े, इन कपड़ों का हाल देख, आज ना क्या घू बना के लाया है लाइब्रेरी के, इनके लिखा था गेम्स, हाँ आज कल हमारा गेम्स भी है। कपड़े देख ले कितने गंदे कर रखे हैं, टी शर्ट देख और इनको, इसको देख, आज का याद रख लेना, कल अगर तूने कल कोई ऐसी वैसी हरकत करी ना तो रख लेना आज का याद। नीचे दिखाओ, क्यों दिखाओ, कपड़ों की क्या हालत कर रखी है। गया किसके साथ था? मैं, हाँ बस के साथ है, बस के साथ गया था। क्या बस के साथ? बस मैं नहीं गया था, मैं स्कूल, मैं इको पार्क की बात कर रही हूँ, इको पार्क, हाँ स्कूल फ्रेंड्स गए थे। कौन स्कूल फ्रेंड गए थे? नानक केंद्रे वो गए थे, दक्षु गया था, तो वो तेरा स्कूल फ्रेंड कहाँ से हुआ? तो मैं बोल रहा हूँ, तो कैसे बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, और वो एक गया था, जब कौन गया था, एक दक्षिणा और एक प्रत्यक्ष लक्षित। तेरे को जब मैंने कल मना किया था तो तू गया क्यों, पहले बता मेरे को, जब तेरे को मैंने कल मना किया था कि हंसी नहीं जाना, किया था ना मना, तो तेरे को क्या कोई असर नहीं होता बोलने का, हैं अपनी मर्जी से उठता और चल पड़ता है, हैं बाकी हो क्या समझता तू, हैं
तूने अपनी मर्जी करते रहना है, है? क्या पूछ रही हूं मैं तेरे को, अपनी मर्जी करते रहना तूने, है? तेरे को इतने इतने रोज तेरे को समझा के तेरे को ऊपर ले नहीं बैठती, बात नहीं बैठती कि मम्मी ने कुछ बोला है, क्यों बोला है नहीं पता चलता, हम्म? बाद में आके चार पटाखे खा लेने, पर करना वही है जो अपने मन में आया है ना, है? अब जाएगा कल से, है? जाएगा तो फिर ये सोच लेना कॉलेज से इको पार्क दूर नहीं है, 2 मिनट लगेंगे मेरे को अंदर आते और 2 मिनट लगेंगे उन लोगों के बीच में तेरे को एंड से घर तक लाते, है? क्या बतानी है कि पटाखे पड़े? नहीं, हाँ क्या